हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग रक्षाबंधन में गांव गए हुए थे, तो छुट्टी बिताने के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम लोग रिटर्न वापस दिल्ली आए हुए हैं। तो हम करीब कल 7 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे, और आने के बाद थकने के बाद, रास्ते में थकावट बहुत हो गई थी, तो सो गए खाना वाना खाने के बाद। और अब सुबह चाय नाश्ते के बाद हम लोग घर की कंडीशन में, घर की सफाई में लग गए हैं। इसे देखो, बाकी तो दिखा रहा साथियों, हूँ हम इसे। लोग बनारस गए और बनारस में 80 घाट में स्नान किया। स्नान करने के बाद बाबा भोले के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ और मंदिर थे, जैसे संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, वहाँ भी गए, और अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, तो वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वापस रिटर्न फतेहपुर आ गए। फतेहपुर में भी दूसरे दिन हम लोग वहाँ कौन सा घाट है एक बार बताना जरा? ओम घाट ओम घाट। तो हम लोग ओम घाट गए, वहाँ स्नान किया, इसके बाद रिटर्न अपने गांव में आ गए। फिर 2-4 दिन रिलैक्स किया, इधर उधर भी घूमने गए, फिर इसके बाद रिटर्न दिल्ली आ गए। तो दोस्तों, ये देखो हमारे घर में साफ़ सफाई चल रही है, और ये हमारी किचन है, बहुत गंदी हो गई है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। और ये घर का देखो कंडीशन, सारा इधर सामान फैला हुआ है, और कपड़े हैं गए हैं, बहुत गंदे हो गए हैं, तो कपड़ों की साफ़ सफाई होगी। तो दोस्तों, अब कपड़े मैं धोने का छत में जा रहा भी, हूँ, वहाँ चलते हैं, देखते हैं पौधों की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, हम लोग छत में आ गए हैं, और ये छत में पौधे तो सही हैं। हम तो आपको दोस्तों, पानी, पौधे तो सही लग रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं दोस्त को बोल गया था पानी डालने के लिए, तो उसने पानी डाला है, सारे पौधे ठीक है, कोई सूखे नहीं हैं, और ये मेरे पौधे सही सलामत चल रहे हैं। सारा अभी कोई ऐसा पौधा नहीं है जो सूख गया हो। दूसरी तरफ देखते हैं, ये जो सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, सारे हरे भरे हैं। दूसरी साइड में देखते हैं, इधर भी सही है। देखो, ये करेला वो गया था, जब गया था तो करेला छोटे छोटे थे, अब देखो इस साइड में करेला के 3-4 पौधे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी। और इधर तोरी है, तोरी थोड़ा सूख गई है, और बाकी तो ठीक है। ये मिर्च लगा रखे हैं, मिर्च के 2-3-4 पौधे हैं, और ये देखिए आगे इधर भी सही है, तो पौधे सूखे नहीं हैं, सही सलामत चल रहे हैं। दोस्त ने 1 हफ्ते देख रेख किया है, लेकिन दोस्तों छत बहुत गंदी हो गई है। देखिए, पत्तियां सूख के पड़ी हैं, 1 हफ्ते में सारी पत्तियां इकट्ठा हो गई हैं नीचे छत पे, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, पत्तियां सारी सूख करके गिर गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए, सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पौधे कैसे हवा से झूम रहे हैं, पत्तियाँ कैसे हिल रही है। देखो, ये पाम का पेड़ है और मनी प्लांट भी है, देखिए नीचे मनी प्लांट कितना फैल गया हुआ है, ज़मीन पर कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और बढ़िया अच्छा लग रहा है, हरा हरा। और फूल तो आना भी बंद हो गए हैं, और इनमें खाद वाद डालना पड़ेगा दोबारा। और देखिए, ये पौधे अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, आप भी लगाइए अगर आपके पास जगह हो, और कहीं छत में भी थोड़ा सा भी जगह हो, तो आप, अगर शौक है पौधों का, बागवानी का, तो आप लगा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी छोटी सी जगह है, करीब 30-25-30 फुट, तो उसमें मैं ये सारे पौधे लगा रखा है। और जब भी वक्त मिलता है, इन्हीं पौधों के साथ में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, शांत एरिया है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद।